Hi everybody, welcome back to my channel Infi Desires Doodle. Welcome back to my channel. Thank you so much pichle video ko itna sara pyar dene ke liye. Bahut bahut dhanyawad. And keeping the promise, I am back. Aaj ka topic hai what is doodle art. आज एक नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ. ये वीडियो में हम बात करेंगे कि ये डूडल आर्ट क्या होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जाने से पहले एक बात मैं बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो को देखा है लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नीचे वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का डिब्बा दिखेगा, उसे क्लिक कीजिए. उसके बाजू में देयर इज़ अ बेल आइकन, उसे भी क्लिक कीजिए सो दैट आपको एक नोटिफिकेशन आएगा एवरी टाइम मैं एक नया वीडियो डालूंगी. सो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं कि कौन से टाइम पे क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको स्किप करना है आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं. लेट्स गो. हम सब ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी स्क्रिबल किया है. फॉर एग्जांपल कभी कोई बोरिंग लेक्चर में या कोई ऑफिस में, कभी फ़ोन पे लंबी बात हो रही है. एम आई राइट? सामने पेंसिल पड़ी है एंड पेपर है और पेन है एंड कोई बड़ी लंबी कॉल चल रही है. सबकॉन्शियसली हमारे हाथ से हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं या स्क्रिबल कर रहे हैं या ड्राइंग बना रहे हैं. ज़रूरी नहीं है देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट या कोई टेक्निक से बना रहे हैं, सिंपल फ्री हैंड ड्राइंग बना रहे हैं. हमने कभी रियलाइज भी नहीं किया है बट ये एक आर्ट है. एंड दिस इज़ वॉट डूडलिंग इज़. सो डूडल आर्ट कोई स्पेसिफिक पैटर्न या कोई ड्राइंग ऐसा नहीं है. एनी रैंडम स्क्रिबलिंग ऑफ लेटर्स, पैटर्न्स, सर्कल, स्क्वायर, एनीथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो इज डूडलिंग. इट्स बेसिकली एक अनफोकस्ड ड्राइंग जो हम बनाते हैं जब भी हमारा अटेंशन इज ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स. साउंड्स वेरी सिंपल राइट? यहाँ पे अभी मैंने सिंपल स्क्वायर से एक ड्राइंग बनाया. अभी मैं सर्कल्स बना रही हूँ एंड फेसेस बना रही हूँ. सो ऑल दिस इज इन सिंपल वर्ड्स डूडलिंग. बेसिकली एक सिंपल ड्राइंग है जिसका कोई मीनिंग हो भी सकता है या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग भी हो सकता है. वेदर आप फटाफट एक कोई रैंडमली सबकॉन्शियसली एक ड्राइंग बना रहे हो या इत्मीनान से बैठ के चार घंटे लेकर आप कोई आर्ट वर्क बना रहे हो, एवरीथिंग इज डूडल आर्ट. अब चलते हैं देखने को कि बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ डूडलिंग. नंबर वन इज दैट इट हेल्प्स अ पर्सन्स मेमोरी. नंबर टू इज दैट ये स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प करता है एंड रिलैक्स करने में हेल्प करता है. नंबर थ्री इट ऑल्सो हेल्प्स टू एक्सप्रेस इमोशंस. आई थिंक येस दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स. क्योंकि कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेम्बर को इफ़ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग मे बी आई एम नॉट एबल टू, तो यूजली मैं वो सब ग्रीटिंग कार्ड्स में लिख देती हूँ. वट एवर आई फील अबाउट द पर्सन, अगर बर्थडे है उनका तो उनके बारे में लिख देती हूँ वॉट आई फील अबाउट इट. सो या ड्राॅइंग एज अ होल या डूडलिंग गिव्स यू दैट स्पेस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली. सो अब चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे, दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट डूडलिंग एंड वॉट यू नीड टू डूडल. सो ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है. देर आर जस्ट थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो याद रखना है, द थ्री पीज. नंबर वन इज़ ऑब्वियसली एक पेंसिल चाहिए या पेन चाहिए. कोई भी पेंसिल ले सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे अप्सरा ली है. एक रबर चाहिए एंड
एनी पेन विल डू, एनी बॉल पेन, मार्कर पेन, स्केच पेन, एनी थिंग विल डू. टू इज पेपर, अगेन कोई स्पेसिफिक पेपर नहीं चाहिए, हालांकि फॉर सम ड्राइंग्स लाइक मंडाला आर्ट आप ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज उसमें मार्जिन्स होते हैं एंड डॉट्स होते हैं, सो आप उस पर शेप्स ईजिली बना सकते हैं. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑब्वियसली प्रैक्टिस. अगर आप परफेक्ट शेप्स बनाना चाहते हैं और प्रॉपरली सर्कल्स, स्टार्स, रेक्टेंगल्स और सब बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड देन इवेंचुअली यू विल डेवलप योर ओन स्टाइल. सो प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एंड डोंट फॉरगेट टू एन्जॉय द प्रोसेस. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. आपको अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मेक डूडल एक्सप्रेशंस क्यूट एंड सिंपल इजी डूडल एक्सप्रेशंस, जैसे कि अभी आज आप वीडियो में भी देख रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड. आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में. आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा. मुझे कमेंट्स में बताइए कि अच्छा लगा या नहीं लगा या और क्या अच्छा हो सकता था एंड और आप क्या देखना चाहेंगे ये चैनल पे. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब एंड मिलूंगी मैं आपको अगले वीडियो में.